संजय प्लस वेलफेयर एसोसिएशन के व्यापारी धरने पर पिछले 29 दिनों से बैठे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। 29वें दिन उन्होंने व्यापारियों को बुला करके एक सभा का आयोजन किया, जिसमें रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। ये संजय पैलेस में व्यापारी हमारे भाई आज 28वां दिन है धरने पर बैठे हैं। इन लोगों ने हमसे संपर्क किया, समर्थन की मांग करी। आज इनको समर्थन देना, एक समाजवादी पार्टी सिपाही होने के नाते मैं अपने व्यापारी भाइयों के साथ आया हूँ। मैं भी व्यापारी हूँ, मैं दुख तक समझता हूँ। जिस तरीके से इनका उत्पीड़न हो रहा है, ये सरकार जिस तरीके से GST के बाद नोटबंदी से अभी व्यापारी उभरा नहीं था, और संजय पैलेस जैसा मेन बाजार आगरा का, मैं व्यापारी भाई अपनी दुकानों को छोड़ के 28 दिन से धरने पर बैठा है। 9 विधायक, 2 सांसद, 70 पार्षद, 2 मंत्री होते हुए जिले में व्यापारी धरने पर बैठा हो, कोई इनका दुख दर्द बांटने वाला ना हो। कैसी सरकार है, कैसी ये लोग सरकार चला रहे हैं? इन्हें कोई किसी की तकलीफ से और किसी के परेशानी से कोई सरोकार नहीं है। क्या करेंगे आप? हमने पूरा समर्थन आज व्यापारी भाइयों को दिया है। हम बात करेंगे नगर आयुक्त जी से, मेयर जी से। अगर जो वो इनकी बातों को मानते हैं, टेबल पे बैठ के ख़त्म करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो समाजवादी लोग कंधे से कंधा मिला के व्यापारी भाइयों के साथ हर संघर्ष के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके का प्रदर्शन हो, हमेशा तैयार थे, तैयार हैं और आगे भी रहे। कि हमारे आज इस पार्किंग के विरोध में जो चल रहा है धरना, इसको समर्थन देने के लिए समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार आए थे, और उन्होंने यहाँ पे आश्वासन दिया है हमको कि जो भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी शासन से, प्रशासन से मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। उन्होंने नगर आयुक्त से भी इमीडिएट बात करी थी, और उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देशित भी किया था कि तुरंत इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। नगर आयुक्त को भी फ़ोन किया था, पर वो गोवा में मस्ती में है, तो अभी उनसे बात नहीं हो पाई है। पर उम्मीद है कि हमारा मामला, आज हमने बृहद बैठक बुलाई है यहाँ पर 3 बजे से, जनरल बॉडी की, सारे संगठनों की, और इसमें कल से हम आंदोलन को उग्रता देने जा रहे हैं। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार आए थे अभी हमें अपना समर्थन देने के लिए। इसी तरह से अलग अलग पार्टियों के, सभी कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। लेकिन दोपहर में 3 बजे हम लोगों ने धरना स्थल पर एक, सभी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है संवाद के लिए। और यहाँ देखें आप व्यापार की सभी, लेकिन हमारे जो 9 विधायक, सांसद और देखिए व्यापारियों को तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि व्यापार छोड़ के आज व्यापार 28वां दिन है धरने का, 28 दिन से धरने पर बैठे हैं, कोई भी दुकान पर नहीं बैठ रहा है, सब काम धंधे छोड़ के यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। 12 से 5 बजे तक धरने पर बैठते हैं, लेकिन कोई भी किसी की कान में जू नहीं देख रही है। और आज अखबार, अब पता नहीं साहब हटमटता है, क्या है, क्यों नहीं मांग रहे, कोई हमारी अनजेन्युइन मांग नहीं है। क्यों नगर निगम 2 बार गए, ADA भी हम जा चुके हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हैं, हमें बुला लिया जाता है और वहाँ से वो लोग गायब हो जाते हैं। 2-2, 2.5-2.5 घंटे हम नगर आयुक्त साहब के पास बैठकर आए कमरे में उनके, लेकिन मालूम पड़ा जब हम पहुँचे नगर आयुक्त साहब नहीं मिले। ऐसे ही ADA में भी हमें 2-2 बार बुलाया गया, वहाँ हम पहुँचे, लेकिन वहाँ जब हम पहुँचे तो बैठकर 2-2 बार चले आए। पता नहीं क्या कारण है कि कोई भी प्रशासन का अधिकारी हम लोगों से बात नहीं करना चाहता। पता नहीं क्या कारण है कि कोई इस मामले को सुलझाना नहीं चाहता। व्यापारी 28 दिन से धरने पर है, लेकिन किसी की कान में जू नहीं रख रही।